इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश। ये जो माथा है जो ना आनंद जिसे अपन कहते हैं दर्पण का काम करता है ना। और जब आदमी बहुत टेंशन में हो, कुछ सोच रहा हो, तो उसकी देखना काम चलती तो गुणियां पड़ती रहती हैं। तो आदमी की क्या बात है, आज कुछ सोच में लगे हो, चेहरा थोड़ा सा उतरो सा दिख रहा हो, खिला हुआ नहीं है, ऐसा ही। तो वही बात है कि ये बात सही है। शिल्पी कहते हैं कि ये बात है, खेद का अविनाश है तो हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, थोड़ा सा हास्य राग अच्छा कोई भी हो, हास्य वाली बातें हैं, प्रसन्नता की बातें हैं, ये भले भी हो है ना, किंतु वेद भाव के विकास है तो हास्य का त्याग अनिवार्य है। एक कर्म सिद्धांत का भरा हुआ है यहाँ पे। क्या है ये कि अति हसना स्त्री वेद और नपुंसक वेद की आश्रव का कारण बताया है। अति हसना, इसलिए जब समय पे जिस समय हंसना चाहिए उस समय ही हंसो, आवश्यक हो या सनी अनावश्यक मत हंसो। कर्म सिद्धांत कहता है स्त्री वेद का आश्रव का कारण अति हसना। बिल्कुल ये इनके उसकी पोटेंसी में जब होते ना, तो अनंतानुबंधी के साथ जो कार्य करने वाले हैं या मिथ्यात की परिणति में कहीं पर हंस दिया, बिना सोचे विवेक ज्ञान करते नहीं रखा और अपने मुख से देखा नहीं और हंस दिया, ये इतिहास है। वही कर्म सिद्धांत पढ़ा है कि किंतु वेद भाव का विकास हेतु किसके, अगर तुझे अपने वेद का विकास करना हो यानी अच्छे सब वेदों को प्राप्त करना हो, पुरुष वेद जैसे महा पुरुषों की श्रेणी में आना हो, तो क्या करो, हास का त्याग अनिवार्य है। कर्म सिद्धांत, हास्य भी कसाय है ना। क्या है ये, कसाय है। अब जब कसाय रहेंगी तो कसाय से क्या होगा, कर्म का आश्रय होगा। देखिए बिना मतलब की हंसी कितनी बड़ी कसाय की जनक बन गई, किसने, पानी समझ करके दुर्योधन समझ नहीं पाया इंद्रप्रस्थ में, है ना, क्या नहीं समझ पाया। अब वहां ऐसा बनाया गया था, ऐसा शिल्पी था वो, कि जहां पानी लग रहा है वहां तो धरती है, जहां धरती है वहां ऐसा पानी का, तो वो समझा नहीं, और समझा नहीं वहां सीधे सहज रूप में चल गया, पानी था पानी में फिसल गया, और पानी में फिसल गया और पानी में गिरते ही ऊपर द्रौपदी आदि अपनी सखियों के साथ बैठी या देख रही या निहार रही हो जाती होगी, और इधर गिरा, अरे उस समय गिर गया तो अपन को क्या करना, अरे भाई गिर गया, थोड़ा खेद खिन्नता प्रकट कर देता, लेकिन व्यंग कर दिया हंसी के साथ। देखिए अति हंसी विपत्ति का कारण भी होती है। कुछ लोग कहते हैं खेत कीनता को दूर करने का कारण मानते हैं, लेकिन बिना मतलब के किसी के कष्ट पर हंस देना या किसी की इस प्रकार के, जैसे एक आप गौर करना, कोई एक बच्चा है ना, खिलते खिलते गिर जाए और अगर कोई सामने वाला हंस देवे तो वो जरूर रोएगा, क्यों क्यों, इसलिए रोएगा कि मेरे सबके सामने बेइज्जती हो गई, मैं गिर गया। और
अगर वो गिर जाए और सामने वाला खड़ा, अरे रे कोई बात नहीं, घोड़ा कूदा है, उसको खेद करना था, हंसाया नहीं, उसको क्या कर दे उठा के, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो क्या आएगा, रोएगा नहीं, चलो भाई किसी ने मेरे लिए संबल दिया है, उसका रोना नहीं होता, वो चुपचाप रहता है। ऐसे ही हास्य का सिद्धांत यही है। वहां द्रौपदी ने वो हास्य, एक छोटा सा हास्य और एक छोटा सा हास्य के साथ कटाक्ष, क्या करें, अंधों के अंधे ही तो होते हैं, दिखाई नहीं देता, इतना कटाक्ष पूरा, कितना का क्या कारण बन गया, पूरी महाभारत का जनक बन गया। एक हंसी, इसलिए आफत की हंसी भी बन सकती है, किसी के लिए कष्टकारक भी बन सकती है, संकट भी बन सकती है, वही संकट का रूप बनकर के सामने आ जाती है। और वही हुआ कि हास्य का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि हास्य भी कसाय है ना, ये कसाय, इसलिए भैया उतने ही हास्य हो कि किसी का उपहास ना हो। नहीं, हम तो क्या करें, हम तो हंसी है, हंस रहे हैं, हम क्या बात है। कभी एक और होते, दूसरों की धारणाएं कभी कभार आपकी हंसी के कारण से गलत बन जाती हैं, गलत बन जाती है। कैसे, अब मान लो कोई सास बहू मंदिर में गई है, अब बहू जो थी थोड़ी सी उसकी कोई पुरानी बचपन की या सखी या कोई मित्र मिल गई, अब बाहू बैठ गई थोड़ी दूर बस, बाहू यानी अपनी मित्र मंडली के साथ, और साथ बैठ गई इतने, अब आपस में उनकी बातें भी हंस रही हैं, को खिलखिला रही हैं, इतने सास भाई देख देख कर गुस्सा आ रही है, पता नहीं काके कह के हंस रही हूं, हमारी बुराई कर रही हूं, इधर क्या हो रहा है, उधर हंसी हो रही है, इधर खेद खिन्नता हो रही है, लगता है हमारे बारे में कह रही होगी, चलो देख आते हैं, घर है हम सब बच्चे, फरजाद में क्या हो रहा है, काय की चर्चा हो रही थी, काय हाथ ठिलठिला रही थी, हमारे बारे में कह रही हुई क्यों, ये आफत में। इसलिए कभी कभार अति हंसी भी आफत कसाय, इसको हमेशा कसाय मानना चाहिए। देखियो, और हसनशील वाला प्राय उतावला होता है, जो ज्यादा हंसता है वो कैसा होता है, उतावला होता है। कार्य कार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहां उसमें है ना, गंभीरता धीरता कहां उसमें, बालक संभावला होता है वह, कौन, जो अति हंसने वाला है। तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहां, मोह माया के जाल में आत्म विज्ञ फंसते कहां। ये स्थित प्रज्ञ जो अपने आप में स्थित रहते हैं, कितना भी कोई भी सामने अच्छे ऐसे वातावरण उपस्थित कर दो, पर वे ना चेहरे पर खेद खिन्नता लाते हैं और ना चेहरे पर अति प्रसन्नता लाते हैं। इसलिए राग रंग से परे होकर के स्थित प्रज्ञ होते हैं, अच्छे नहीं। इसलिए ये बात है, बावला सो तावला, जो तावला होता है सो वो बावला, बावला करते बालपन, आचार्य ने लिखा बाल संबावला होता है, ऐसे बावले मत बनो, क्या बनो, तभी तो
स्थित प्रज्ञ हंसते कहां, मोह माया के जाल में आत्म विज्ञ फंसते कहां। ऐसा जब शिल्पी के माध्यम से उसको संबोधन मिला, किसको, हास्यरस को है? संबोधन मिला और ऐसी जब बात उसने सुनी तो बात सुन करके क्या कहा, अपनी दाल नहीं गलती लगकर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर। अब उसने देखा कि अब हमारी यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, अब अपनी ज्यादा बात करो मत है, अपनी चाल नहीं चली परख कर, हास ने अपनी करवट बदल ली। उस हास रस ने अपनी क्या बदल ली, करवट बदल ली, और अपना साथी स्मरण किया। अपना उसका जो साथी है, जब कहते हैं आदमी ज्यादा हंसो और जब हंसी हंसी में कोई कछु कह दे तो फिर देखो क्या होता है, वही होता है ये जो यहाँ पर है। साथी का स्मरण किया जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता, कराल काला रोद रस। अब कौन सा रस आ रहा है, हास्यरस के बाद अब कौन सा रस, रौद्र रस सामने आ रहा है, कराल काला। क्योंकि जो रौद्र रस होता है वो सौम्य रस वाला थोड़ी होता है, जब किसी को गुस्सा आता है उसका चेहरा कैसा होता है बताओ, तमतमाया, काला नांग सा फुंकारता हुआ। ऐसे ही कराल काला रौद्र रस जग जाता है, ज्वलनशील वाला हृदय सोन अदय मूल वाला। जब रौद्र रस जाग जाता है तो वह रौद्र रस कैसा है, ज्वलनशील वाला, दिखने में आग नहीं होती यानी बाहर को जलन, लेकिन उसका ज्वलनशीलता उसके शब्दों में इतना तेज होता है, ऐसा बोलता है कि जो आदमी शांत भी हो तो जल उठे, खोल उठे। रौद्र रस ऐसा ही होता है, ज्वलनशील वाला हृदय सुन, किसी के प्रति दया के अभाव नहीं है, अदय मूल्य वाला, उसका हिंसा करने का परिणाम उसका मूल्य क्या है, ऐसा अदय मूल्य वाला हृदय सुन, अदय मूल्य वाला। घटित घटना विदित हुई उसे, जब देखा हास्यरस ने अब उसका अपमान हो गया तो उसने अपने सखा को जगा दिया, कौन सा सखा, रौद्र रस को जगा दिया। अब रौद्र रस जाग गया है, अब रौद्र चक जाग है तो अब हंसी होने वाली नहीं है, अब तो फांसी होने वाली है, अब तो क्या होने वाला है, अब तो बड़ा लड़ाई झगड़ा होने वाला है। इसलिए हंसी के बाद एक क्या होती है, झंझट जरूर होती है जब ज्यादा हो जाए तो, इसे अपन कहते लोक में ज्यादा मत हंसो भैया, नहीं तो पता नहीं को अब का कह जाए, मारी हंस रहे थे तुम हमें देख देख करके, भलाई तुम देखो या ना देखो, एक समूह में एक सबके बीच में रह करके अगर ज्यादा हंसो तो सोचने वाले लगता तुम हमें देख देख के हंस रहे थे। वो बहुत लोक में वही है, ज्वलनशील वाला ऐसा हृदय सुन अदय मूल्य वाला, वह रौद्र रस जाग जाता है। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्र छुपित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, विकृतियां टेढ़ी तन गई, आंखों की पुतलियां तो लाल लाल तेजाब में बन गई। ऐसा ये है रौद्र रस, जिसकी चित्त कैसा हो गया है, चुभित है। ये आप लोगों की जब गुस्सा आती है उसके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, जब होता है आदमी कैसा होता है, और उस समय पित्त कैसा हो गया। इसलिए जिसका पित्त कुपित होता है उसको गुस्सा ज्यादा आती है, क्रोध ज्यादा आता है। एक अपना गुण बताए आपको बताए, जिसका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है,
है ना, अच्छे से सुनना है ना। जिसका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है, और जिसकी वायु बड़ी होती है वो मायाचारी और मानी होता है, है वो नहीं, हाँ मानी होता है, मायाचारी नहीं। ऐसा प्रकृति का सत्य बताया है, शरीर के स्वभाव बताए हैं। जिसका वायु बड़ी होती वो बहुत मानी होता है, और जिसका कप बड़ा होता है वो मायाचारी और लोभी होता है। ये शरीर की प्रकृति बताइए, क्योंकि तीन ही बात, पित्त कप, और जिनके तीनों बिगड़े हो तो उनके सब कुछ बिगड़ा होता है। और तीनों सम हो तो समतावान होता है। जैसे अपने मुनि महाराज के पास कोई कह देता कोई बात नहीं, क्षमावान, समतावान होते हैं। इसलिए पित्त बिगाड़ो मत, क्योंकि चित्त बिगड़ेगा तो पित्त बिगड़ेगा, और पित्त बिगड़ेगा तो आदमी कुपित होगा, रौद्र रस जागेगा। जब रौद्र रस जागता है तो संसार की रुद्रता उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। क्या बना देता है? बिल्कुल। मान आदमी को बहरा कर देता है। बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई देता उसे फिर। हाँ, ऐसे ही क्रोध। और अपन जब गुस्सा आ रही उसको कुछ सुनाओ तो वो कहता हमें कोई की नहीं सुनना, सुनने को तैयार ही नहीं होता। ये दोनों का जुड़ा अपना आप है, तो वही है। मुख माटी में चित्त छुपित हुआ, उसका पित्त कुपित हुआ, भ्रुक्टियां टेढ़ी सी तन गई, आंखों की पुतलियां कैसी हो गई? लाल तेजाब बन गई, जलनशील। ऐसा वह तेजाब जैसी बन गई है उसकी आंखों की पुतलियां हैं। देखते देखते गुब्बारे सी, कैसी? देखते देखते गुब्बारे, गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी, नासा फूलती गई उसकी। नाक क्या हो रही है? अब फूलती है गुस्सा में, नाक फूल रही है, ऐसे फुसकार जैसा रहा है। बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। देखिए, नहीं अभी नीचे छूट गया। अगरबाती तो अगरबत्ती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना? नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप लपटे, लप लपाती लाली बहने लगी। जैसे फटाका का उदाहरण दिया है आचार्य ने, आपको कहा नहीं है इसमें कि एक बत्ती है ना उसमें लगी है, और अगर जलती हुई अगरबत्ती उसमें लगा दो तो फिर क्या होता है? बम, विस्फोट होता है, एक विस्फोट का रूप ले देता है। वैसे ही दशा कि वह बारूद से कम नहीं है रौद्रस, कुपित हुआ चित्त ऐसा सब हो के। अगर बाती तो अगरबत्ती का योग नहीं मिलता तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर।